Good morning, guys. So my 31st December began very, very early at 7:30 in the morning. Received some Amazon parcels and now playing with this bougie goojie. Bunju bunju. इसने कल क्या काम किया पता है आपको? ये मेरे आईफोन के ईयरफोन खा गई, चू करके फेंक दिया. ये देखो अभी गिल्टी गिल्टी बैठी है तब से. क्यों खाया क्यों खाया? कौन स्पॉन्सर करने वाला है हमें? तो एक्चुअली मैं जाना तो चाहती हूँ एलिफेंटा केव्स. थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, तो सोच रही हूँ पर कहीं ना कहीं जाऊँगी तो घूमने में. लेकिन क्योंकि ये स्नैपी है कल से, इसने ऐसा बहुत टाइम में नहीं किया है. कल ये दिन भर भौंकी है सबके ऊपर. फिर इसने मेरा, मैं मेडिटेट कर रही थी एक्चुअली, और ये मेरा ईयरफोन खा गई. तो मेरे एक दोस्त थे लंदन में, उन्होंने कहा कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शायद तुमको नया ईयरफोन लेना है. फाइन फाइन, ऑप्टिमिस्टिक पीपल फाइंड ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स ओनली. सो थोड़ा कर्टन खोल लेते हैं. इसको देखो इसको देखो. तुम भी बोलना चाहती हो कुछ? बोलना चाहती हो? बोलना चाहती हो? तो चाहे मैं अपना प्लान पूरा करूं या नहीं करूं, 31st दिसंबर तो एक ही बार आता है साल में, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? करेंगे ना बेबी? ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग. चलो पर्दा खोलते हैं. पर्दा खोलते हैं, बुझो. इतना सा ही उजाला है काफी है. आज कुछ थोड़ा मुझे स्मॉग ज्यादा लग रहा है एक्चुअली. और डेज आप, तो आप चाहे जो करिए, आज कल इस वीकेंड को स्पेशल बनाइए. यही मुझे लगता है, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ. पहले तो मैं ऐसे घबरा कर उठी, जाना है. नहीं नहीं, मैंने कहा क्यों, वाई द हरी, टेक योर टाइम. एंड आई वोक अप, आई टुक माई मेडिसिन और मैं अपना इलेक्ट्रोलाइट्स ले रही हूँ. पहले कुछ चीज़ें मैंने भी सोची है मैं करूँगी. दो दिन तो मैं फ़ोन नहीं हैंडल करूँगी. आई विल बी विथ माई सेल्फ, दैट्स इट. समटाइम्स पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, राइट? मेरे साथ तो बहुत होता है बिकॉज आई थिंक आई एम टू ईजीली अवेलेबल. तो ये एक आदत मुझे छोड़नी है आज, और कल से मैं ये होने नहीं दूंगी. तो देखते हैं दिन कहाँ ले जाता है. अभी कॉफ़ी वॉफी पी जाएगी, ठीक है. एंड लेट मी सी वेयर आई एंड गोइंग टुडे एंड आई विल टेक यू ऑल देयर. जॉय लाइज इन सिंपल थिंग्स, सिंप्लिसिटी. बर्फ का गोला, जूहू चौपाटी, है ना, सींग दाना, सींग चना. एक हम जूहू पे खाते थे, 90s की बात है. ग्रीन वाला चना, जो हरा चना होता है ना, सोक करके उसको उसको फटाफट कांदा टमाटर मिर्ची डाल के वो देते थे. सो देर इज सो मच जॉय इन सिंपल थिंग्स लाइक काला खट्टा खाओ. हाँ, दैट मोमेंट यू फील लाइक यू आर मुक्त इन हेवन, राइट? सो दूसरी बात, आई एम नॉट गोइंग टू बी अपोलोजिटिक कि मुझे कुछ बातों पे गुस्सा क्यों आ जाता है या मैं ऐसी हूँ. मैं गलत करती नहीं हूँ, तो अगर मेरे साथ गलत होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फेयर इनफ, राइट? चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद. ठंडी ठंडी प्यारी सी हवाएं चल रही है बाहर. स्मॉग है, दैट मीन्स हवा ठीक नहीं है एक्चुअली. तो मास्क वास लगा के चलेंगे आज. मैं जाने तो वाली थी एलिफेंटा केव्स, बट आई एम थिंकिंग नाउ, क्योंकि पीस थोड़ी सी इरिटेबल थी कल,
ऐसा वो कभी नहीं करती है। मैं मेडिटेट कर रही थी और वो उसने मेरा ईयरफोन खा लिया। मैंने कहा हे भगवान, साल के आखिर में नुकसान। तो एनी वेज आई थिंक आई शुड नॉट लीव हर अलोन एंड उसके साथ ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ प्लान मुझे आज, है ना। देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज 31st है, आपको पता है वीकेंड है, फ्राइडे है, कर्फ्यू है मुंबई में, आप सब जानते हैं। तो दिन में ही पिकनिक मना ली जाए छोटी छोटी चीज़ों में। तो अब तैयार होके पेट्रोल से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के हवा चेक करके आज मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसे बीच पे जो 90s से मेरा बड़ा फेवरेट बीच है। तैयारी हो चुकी है और रेडियो भी देखो बजा रहा है सुनर। और मेरे साथ मेरी पीसी है जो इस समय इस तरह ऐसे खड़ी होके देख रही है और एंजॉय कर रही है। हाय पीस, आर यू एंजॉयिंग पीस? होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे ड्राइव करने में आ रहा है। आज तो मुंबई में भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला और ये हम जा रहे हैं मनोरी बीच की तरफ। और ये मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और फील वो ठंडी ठंडी हवाएं और इतने प्यारे लहलहाते ग्रीन ट्रीज। तो नेचर के पास जाने से ना बहुत ही जॉय अंदर से आ जाता है आपको, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस। इतने घने पेड़, आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि मुंबई में ही ऐसी कोई जगह है जो इतनी खूबसूरत है। तो हम जा रहे हैं मनोरी बीच की तरफ।
खाली थे एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इतने सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे 12 साल बाद आ रही हूँ। 2010-11 की एक तस्वीर है मेरी मनोरी बीच की, उसके बाद शायद अभी आ रही हूँ मैं 22 में सीधा। आफ्टर 11 ईयर्स आई एम कमिंग टू दिस बीच एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट प्लान फॉर 31st। थोड़े देर मस्ती मजा करके अच्छा सा सनसेट आप लोगों को दिखा के, खाना वाना खा के मैं कर्फ्यू शुरू होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। मेरे साथ 30 भी है, खैर हम दोनों को तो आप देखते ही रहते हैं। नजारा देखिए, क्या गोवा जाने की जरूरत है। अच्छा, जो लोग मुंबई के नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि जब आप बीच के लिए आते हैं तो स्लीपर्स लीजिए, फिर बीच के कपड़े लीजिए जो जल्दी सूख जाए, एक स्पेयर रखिए, टॉवल जरूर रखिए कि मन किया आपका पानी में जाओ। इस बीच की बहुत खासियत है मनोरी की कि इसके ऊपर, बीच के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, है ना मजे। तो ये है ना सुंदर, रास्ते से ही आपको प्यार हो जाएगा। चलिए अभी बीच पे पहुंच के बात करेंगे आपसे। ये जो अभी गया पीछे ना, पुलिस ट्रेनिंग है यहाँ पे सेंटर, ऐसी जगहों पे होता है। जैसे हम मड आइलैंड जाते हैं तो INS हमला, तो यहाँ पे भी है। थोड़ा साइडवेज मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल भी है। तो ये है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इतना खूबसूरत है ना। जनरली पुलिस डिफेंस अनबिलीवेबल ऐसे एरियाज होते हैं, सेक्लूडेड से काफी, बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाय गाइस, तो हम लोग बीच पहुंच चुके हैं। ये देखिए मेरी गोद में, बाहर जाने को बेताब है बहुत। बाहर थोड़ा गर्म है, लो टाइड है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक है। कुछ कपल्स है, कुछ फैमिली है, घूम रहे हैं, और वो सोडा होता है ना, मीठा सोडा उसके ठेले है 2-3। तो ये बीच ऐसा ही है, ये बहुत शांत है और यहाँ के लोग रहते हैं, इतने सारे रूम्स हैं, बेसिकली पीपल स्टे हियर, जिनको बहुत ही शांत। और निकाल सकती हूँ मैं मास्क वैसे तो जिनको बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर चाहिए तो वो यहाँ आते हैं। शाम को सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, पर इतनी देर तो नहीं रुकूंगी मैं, मुझे तो आना था बस, तो आ गई। तो चलिए नीचे उतरते हैं। ओके, धूप है तो क्या, कैब भी तो है अपने पास। दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ गोराई बीच, है ना बिल्कुल गोवा जैसा। नो कोविड की चिंता, सन बहुत तेज है तो मैं मास्क निकाल ही नहीं रही हूँ, निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास 2 गज की दूरी क्या कोई है ही नहीं। फिर भी मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, एक्चुअली मैं गाड़ी में पूरा राउंड लेके आऊँगी। खाने पीने की चीज़ें जैसे आपने देखा होगा रास्ते में है, जो अंदर की तरफ गाँव है ना बीच, अच्छा एकदम। मास्क निकाल सकती हूँ, टैन हो जाऊंगी इसलिए नहीं निकाल रही हूँ, आई होप यू ऑल कैन हियर। और यहाँ की रेत जो है ना चिपकती नहीं है, ये देखिए पीस कितने आराम से वॉक कर रही है, पीस कितने आराम से वॉक कर रहे हो देखिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बीच कि आप गाड़ी से पूरा बीच हम ड्राइव करेंगे अभी ऐसे जाके, फिर वापस जाएंगे एंड देन वी विल गो, आई विल गो होम। तो जब हम बीच पे आते हैं तो सबसे पहले ये चप्पल, नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट 50 SPF का सनस्क्रीन, सनग्लासेस, कैप, और जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं गर्मी की वजह से
मैंने सिर्फ अंदर एक स्लीवलेस टॉप पहना है और नीचे मेरे शॉर्ट्स पहने हैं। तो जा भी सकते थे पर बहुत दूर है पानी, आज तो नहीं जाऊंगी मैं। देखिए क्या बना रहे आप, प्लीज तुम जाके अटक जाओगी। ये देखिए यहाँ पे फिशरमैन, आप क्या बना रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या बना रहे हैं? नेट को जरा फटा हुआ ठीक कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप फिश पकड़ने जाते हैं अंदर? हाँ। कौन सा फिश मिलता है? अभी फिश नहीं है। नहीं है? नहीं। कौन सा मिलता है जब होता है तो? अभी तो लो टाइड है ना। लॉबस्टर मिलता है। हाँ, लॉबस्टर मिलता है। लॉबस्टर, प्रॉन्स? प्रॉन्स नहीं मिलता। झींगा नहीं मिलता। और फिश कौन सी मिलती है? फिश, फिश। ये मेरे YouTube के लिए है। मैं न्यू ईयर, अभी रात में कर्फ्यू है ना, मैं बोली चलो दिन में मनोरी जाके आ जाते। तो ये रहा बीच, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच गाइस एंड अ वेरी क्लीन बीच, राइट? तो वो दूर दूर आपको रिजॉर्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। बस ऐसा ही होता है गोवा, ऐसा ही होता है वाशी का, हर जगह आप जाएंगे ये वही ब्रिटिश के ज़माने के हैं। एंड पोर्तुगीज पीपल, यू नो दीज ऑल हार्बर्स एंड ऑल, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियन, दे आर फिशरमैन, सो द कल्चर इज़ वेरी गोवन। अभी मैंने आते समय देखा, एक्चुअली रोक के शूट नहीं कर पाई पर करूँगी ज़रूर, मैंने रियल 10 से 12 फीट का क्रिसमस ट्री देखा और वो सजा हुआ था। तो ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग नाइसली, enjoying my निकाल देती हूँ अभी, सन के अगेंस्ट हूँ इसलिए। तो ड्राइव ही बहुत, इतना शांति लग रही है ना यहाँ, ड्राइव बहुत इंजॉयबल थी। जैसे कि मैंने कहा, सब लोग गए हैं कहाँ, बॉम्बे से बाहर, तो ड्राइविंग वॉज अ प्लेजर। और 1.5 घंटे में मैं पहुँच गई हूँ अंधेरी से यहाँ पे, और काफ़ी दूर है मीरा भाईंदर रोड से। सरप्राइजिंगली मुझे मीरा भाईंदर रोड बहुत, मतलब इतना अच्छा लगा ना, इतने अच्छे मॉल्स, बड़े बड़े रास्ते और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, सब्जियाँ। दोस्तों तो अब मैं आपको बीच पे ड्राइव दिखाऊंगी, पता नहीं क्यों पीस छींक रही है। तो लेट अस गो, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, ये देखिए बर्फ का गोला, खट्टा मीठा खाएंगे हम। कुछ लोग हैं, एनीवेज वी शुडंट डिस्टर्ब द कपल्स। लुक एट द सी एंड आई एम ड्राइविंग ऑन द सी, आई मीन ऑन द बीच। मुझे ये बीच इसीलिए पसंद है क्योंकि आप ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज अ फैबुलस फैबुलस बीच। लो टाइड है तो समुंदर काफी अंदर जा चुका है लो टाइड के कारण, लेकिन देखिए आपको बीच बीच में दिखाई जरूर देगा। तो ये ड्राइव है हमारी पूरे बेल्ट, हमें इतना मजा आता था ना, अरे बापरे, जब भी आते थे ड्राइव करके एंड एंड में जाके बैठते थे पत्थरों के पास, फिर शाम को, यू नो, एंड इट्स फन। अभी तो मैं थोड़ा आफ्टरनून टाइम में आई हूँ, गाने मजे के, डीजे पार्टी गाड़ी में हो रही है, और मैं खाना तो वैसे भी नहीं खाती हूँ तो दिन में, सो आई एम एंजॉइंग द ड्राइव। वॉक भी किया हमने बीच पे, पर गर्मी है तो पीस थोड़ी सी परेशान हुई। अब मैं टर्न लेने वाली हूँ, देखिए, कैन यू सी द सी, ये देखिए। मैं किसी के साथ होती तो पक्का मैं जाती सी में, ये सी है। टाइम के लिए ऐसी ये छोटी छोटी गलियां, ये देखिए बनाना, ये देखिए जीसस क्राइस्ट का,
ये है मनोरी कॉर्नर, बीच कॉर्नर। यहाँ रूम, ये देखे घर। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सी लुक एट ऑल दिस, इज सो नाइस राइट। ये देखिए कितना अच्छा घर है ना, मैं वो आपको जरूर दिखाऊंगी। यस, वन हैज टू ड्राइव रियली स्लो, यू नो व्हेन यू आर कमिंग हियर यू हैव टू रियली ड्राइव। ये देखिए पूरा एकदम क्रिश्चियन लोकेलिटी है, कितने प्यारे प्यारे घर है। यहाँ तो फोटोशूट्स ही फोटोशूट्स हो सकते हैं, दे आर सो कलर कोऑर्डिनेटेड, ब्राइट, नेचुरल, रस्टिक। फिल्म मेकर हो ना तो मेरा तो दिल ही पिघल जाता है ऐसे सब सोच के कि अरे यार कितना अच्छा, यार शूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। क्योंकि धीरे स्पीड में ड्राइव करना पड़ रहा है तो मैं दिखा सकती। फिर एक घर आया देखिए सुंदर सा, इजंट इट ब्यूटिफुल, जस्ट सी। आई होप आप सब लोग को ये अच्छा लगा होगा। फिर देखिए फ्रेश होके रात में मैंने कैसे अपना न्यू ईयर मनाया, अकेले है तो क्या गम है। देखते जाइए क्या क्या किया मैंने। खूब अच्छा म्यूज़िक लगाया और डांस किया, और वो मेरा डिस्कोटेक कॉर्नर पीछे देखिए। बिकॉज दिन भर से घूम फिर के भी आई थी थक के, तो मज़ा आ रहा था। देखिए अकेले है। मेरा सुबह का रूटीन वो है मेरी हल्दी वाली चाय, ये मेरी कॉफ़ी और ये मेरी ग्रीन टी। इसको मैं डिटॉक्स ट्रे बोलती हूँ, तो मैं यही लेती हूँ। खाली पीली पानी पीने के बजाय ये सारा लेती हूँ, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लेती हूँ। दिस इज़ 1 January 2022 मॉर्निंग्स ऑफ माय लाइफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी ईयर। ईश्वर आपकी सर्व कामनाओं को पूरा भी करे, और बेसिकली आपको कंटेंट रखे, आपको हेल्दी रखे, और आपको मुस्कुराता हुआ रखे जैसे मैं रहती हूँ। तो इस बार मैंने क्या क्या किया आपने देखा ना ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और इतना मज़ा आया क्योंकि जब पूरा मुंबई खाली हो जाता है लगभग, और छुट्टी मनाने जाता है तो रास्ते सारे खाली हो जाते, इतने मज़े आए। रेडियो पे भी पूरा डीजे मिस चल रहा था, तो एक स्पिरिट जो होती है खुशी की वो अपने आप आती है, और स्पिरिट इम्पॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। तो आज है सैटरडे, वैसे भी वीकेंड है, इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर बड़े मौके पर आए वीकेंड पर। तो कॉफ़ी अब मैं पी रही हूँ लेट, आज मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं यानी आज योगा वगैरह अभी तो नहीं करूँगी मैं। मैं भी 2 दिन रिलैक्स मूड में हूँ, क्योंकि कल जो हम गए थे तो वो ड्राइव और वो चलना और वो धूप, तो इट वाज नाइस। आई वांटेड टू बी टायर्ड, क्योंकि टायर्ड होने के बाद जब घर आते हो, नहाते हो, फ्रेश होते हो ना, तो बहुत लाइट अच्छा लगता है। फिर मैंने मूवीज़ देखी, दोस्तों से बातें की, मैंने देखी क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2। हाँ, मुझे बच्चों की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, और सांता क्लॉस की तो बहुत अच्छी लगती है। आज जो बच्चा मेरे यहाँ काम करता है उसकी छुट्टी है, क्योंकि कल उसका बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए एक छोटा केक मंगाया। फिर
फिर मैंने जो केक काटा है वो अभी मैंने अपने पूरे सोसाइटी के स्टाफ को दिया है, एंड ऑल दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जॉय ऑफ शेयरिंग इज़ वेरी बिग, यू नो, इट स्टेज विथ यू, मतलब ना अच्छा लगता है। तो आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और आप भी अच्छे रहे, एक नए साल के लिए एक नए आप। सो आई एम क्लोजिंग द व्लॉग हियर एंड गोइंग टू एंजॉय माय कॉफ़ी, और मैं पढ़ रही हूँ, बाकी किताबें मैंने ख़त्म की है, पर ये जो मैं पढ़ रही हूँ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बाय भावना सोमैया, तो इसमें कंपाइल्ड इंटरव्यूज बहुत सालों से जो उन्होंने एक्टर्स के लिए थे, तो जिस तरह से वो लिखती है समझती है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आज ये मैं ख़त्म करूँगी बुक। जनरली रिलैक्स सोच तो रही थी कि कहीं लंच डिनर पे जाऊँ, पर केसेस बहुत बढ़ गए हैं तो मैं नहीं जाऊँगी, डबली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी जा सकती हूँ, आउटिंग तो करके आ चुकी हूँ। बस 3-4-5 दिन की बात है, फिर मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बार शायद बर्थडे के लिए सरप्राइज भी आने वाला है, तो लेट अस होप न्यू बिगिनिंग्स, न्यू हैप्पीनेस, न्यू सरप्राइजेस, राइट। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू नेक्स्ट वीक, प्रॉबेबली माय बर्थडे व्लॉग, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिलैक्स। मैं आज सोच रही थी बहुत, हम सोचते क्यों ये करना है वो करना, तो इस साल का नहीं, मैंने मंत्र ले लिया कि रिलैक्स, आराम से जैसा मन हो करो, ये मेरा फॉर्मूला इस साल के लिए, ओके। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।